वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे, वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां उसकी लेंगी तो जानकारी आपको मिलेगी। आतंकी संगठनों से संबंधित है वो? अब जब क्योंकि जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज़ किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरा भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, वो उसकी छानबीन कर रहे हैं। तब आपको अच्छा सर लास्ट सवाल है, सर एक लास्ट सवाल और है। जमीन का मामला है जो कि सेक्शन 16 गौड़ ब्राह्मण को दी गई थी 16 एकड़। नवीन जैन आए दिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। पैरावर की जमीन थी, वो जमीन एक अभी उन्होंने लीज पर दी थी, पंचायत ने लीज पर दी थी ब्राह्मण संस्था को, बाद में वो गांव म्यूनसिपैलिटी में आ गया है। 2 साल की लीज दी गई थी सन 2008 में, 2 साल तक उन्होंने बिल्डिंग बनाई नहीं। 2010 में उन्होंने फिर अप्लाई किया था, इसका जो समय है वो बढ़ा दिया जाए और हमें और समय दे दिया जाए। बीच में 2009 में ये एक्वायर कर ली गई थी HSVP से, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों एक्वायर की हमें मालूम नहीं। मेरा मत यह है कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमने डिपार्टमेंट को कह दिया कि उस जमीन को हमने छोड़ना है और शायद छोड़ भी दी है। छोड़ने के बाद अब उसके कुछ व्यूज़ का विषय है, एक दूसरा लीज अगर करनी होगी तो उनको दोबारा से नगर निगम के साथ करनी होगी, क्योंकि पिछली लीज 2008 में की गई थी, 10 में समाप्त हो गई थी, 10 के बाद उन्होंने अप्लाई किया था, वो फैसला हुआ नहीं है। लेकिन जो चीज़ 2010 से 2022 तक 12 साल पहले की थी, अल्टीमेटली उसको उनको एक बार म्यूनसिपल नगर निगम के साथ बैठ करके कुछ समझौता करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि समझौता हो जाए जल्दी, समझौता करके, क्योंकि शिक्षण संस्थान के काम आनी है, कोई प्राइवेट है नहीं किसी की, तो शिक्षण संस्थान को उसका लाभ होना चाहिए, ऐसा मेरा मत। मुख्यमंत्री ने रोड शो किया है, शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है, कांग्रेस ये कह रहे हैं कि हुड्डा के हाथ में कमान आ गई है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की कमान किसके हाथ में जाए किसके नहीं जाए उनका इंटरनल मामला है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जो जनता की कमान है वो हमारे हाथ में अभी भी आगे भी रहेगी। सर ये रोड शो है या शक्ति प्रदर्शन देख रही है इसको कौन आप? First, a reaction from the Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar. They're saying that this is preliminary information that is coming across. Don't know that if these four people who have been arrested are there terrorists themselves or they were being used as couriers to transport the explosives from one part to the other.